बीजेपी ने चुनाव आयोग से बोकारो के उपायुक्त सह जिला निवास जनपद अधिकारी विजय जांगव को मतगणना की प्रक्रिया से हटाने की मांग की है। बीजेपी के लीगल सेल की ओर से या कर्मचारी को बैलेट के जरिए वोट कराने को अनुचित बताते हुए राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने का दावा किया है। रुक जाइए, अभी खड़ा निरंजन जी हमको भी दे दीजिए वीडियो अंदर स्टील वाला हमको दे दीजिए अंदर एक वक्त काम ये लोग जो किया ना टिकट वाला बहुत गलत बोलिए ना तो नियम का फॉर्म भरवाए हुए उनको 27 तारीख को यानी अगले दिन 27 सोमवार को उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया और उनका वोट करवाया गया, जिसमें बोकारो से 2 मतदान अधिकारी कोऑर्डिनेटर व डीएमटी श्रवण कुमार झा को नियुक्त किया गया और इस का सत्यापन करने के लिए नोडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार की अगुवाई में मतदान कराया गया। हम लोग का सवाल था चुनाव आयोग से कि मतदान होने और स्ट्रांग रूम सील होने के बाद यह पोस्टल बैलेट कैसे जुड़ेगा, स्ट्रांग रूम को कौन खोल कर उसमें पोस्टल बैलेट डालेगा, उपरोक्त पोस्टल बैलेट में कितना गिरिडीह लोकसभा का था और कितना बाहर का था ये कैसे पता चलेगा, बोकारो उपायुक्त ने किसके आदेश पर यह पोस्टल ऑर्डर बाद में कराया चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हो चुका था, और अंतिम की बिना चुनाव के निर्देश पर बोकारो उपायुक्त ने किस राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए यह काम किया। इस पूरे प्रकरण को हम लोग लाए हैं, साक्ष्य के सहित लाए हैं, चुनाव आयोग ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और जाँच के तुरंत अभी आदेश दिया। आप लोग इस पर शक है किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी कोई शक नहीं, जांच का विषय है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।